नमस्कार मित्रों, आज का हमारा मुख्य विषय है उपभोक्ता की बचत। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, अर्थशास्त्र विभाग, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज भतरोज का। ये विषय बीए, एमए तथा यूजीसी नेट जेआरएफ के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। उपभोक्ता की बचत का विचारधारा वास्तव में प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने कह दिया, लेकिन इसका पूर्ण रूप से विकसित करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है। मार्शल ने कहा कि किसी वस्तु के उपभोग से वंचित रहने की अपेक्षा जितना हम देने को तैयार हैं और वास्तव में जितना देते हैं उसका अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं। मान लीजिए हम लॉकडाउन का समय चल रहा है, हमारे घर में राशन नहीं है, पैसे तो हैं लेकिन राशन नहीं है। हम चाहते कि हमारे घर में कोई आटा देते जिसके लिए हम 200 रुपए देने को तैयार हैं। सपोज दैट कोई सामाजिक कार्यकर्ता आता है या दुकानदार आता है और आपके घर में होम डिलीवरी करके जाता है और आटे का रेट 100 रुपीज लगाता है, तो आप देने को कितना तैयार थे? 200 रुपीज। और वास्तव में देना कितना पड़ रहा है? 100 रुपीज। तो इन दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाती है। प्रोफेसर मार्शल ने वास्तव में उपभोक्ता की बचत के सिद्धांत को वैज्ञानिक ढंग से प्रतिपादित किया, लेकिन प्रोफेसर मार्शल के सिद्धांत में वास्तव में मुद्रा को लेकर के मेजरमेंट किया गया था, जिसके कारण प्रोफेसर हिक्स ने इनकी इसी मान्यता के कारण उपभोक्ता की बचत के मार्शल सिद्धांत को स्वीकार करके उन्हें त्रिस्तरीय वक्रों के माध्यम से स्पष्ट किया। इस सिद्धांत को हम हिक्सियन अप्रोच यानी उपभोक्ता की बचत का हिक्सियन अप्रोच के नाम से जान सकते हैं। आज के विषय के अंतर्गत हम सबसे पहले प्रथम वीडियो में उपभोक्ता की बचत के मार्शल दृष्टिकोण का एनालिसिस करेंगे, सरणी के माध्यम से, आयचित्र के माध्यम से और रेखा चित्र के माध्यम से। साथ ही साथ इस बात का भी एनालिसिस करेंगे कि वस्तु का मूल्य बढ़ने या घटने पर उपभोक्ता की बचत पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे वीडियो के अंतर्गत हम हिक्सियन अप्रोच को देखेंगे कि उन्होंने तड़सा वक्र के माध्यम से उपभोक्ता की बचत को मुद्रा के रूप में किस प्रकार मापा और वस्तु के रूप में किस प्रकार मापा, और साथ ही साथ हिक्सियन अप्रोच से यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि यदि किसी वस्तु किसी व्यक्ति की आय या मूल्य वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो उपभोक्ता की बचत पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए देखते हैं मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत। उपभोक्ता की बचत का वास्तव में विचारधारा का प्रतिपादन एवं विकास प्रोफेसर मार्शल द्वारा किया गया। वास्तव में इसके पूर्व भी कई अर्थशास्त्रियों ने इसकी विवेचना अपने ढंग से की है। मार्शल ने सीमांत उपयोगिता रासमान नियम के अनुसार उपभोक्ता की बचत को एक सिस्टमेटिक तरीके से विश्लेषण करने का प्रयास किया, लेकिन मार्शल के सिद्धांत में कुछ कमियां थी। जैसे कि इन्होंने मुद्रा की मात्रा और वस्तु की उपयोगिता को एक साथ कंपेयर किया। मार्शल के इसी सिद्धांत को लेकर के प्रोफेसर हिक्स ने भी अपने बचत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आज के हम इस विषय के अंतर्गत मार्शल के द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत एवं हिक्स द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता के बचत के सिद्धांत को जानेंगे।
मार्शल ने अपने सिद्धांत में किसी वस्तु की घटती हुई सीमांत उपयोगिता को स्वीकार किया था। जैसे जैसे किसी वस्तु का उपयोग बढ़ाते जाते हैं, उसके परिणाम स्वरूप उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता लगातार कम होती चली जाती है। यह एक स्तर पर शून्य हो जाती है और उसके बाद ये घटने लगती है या निगेटिव हो जाती है। इस प्रकार सीमांत उपयोगिता तीन प्रकार की होती है, धनात्मक गिरती हुई सीमांत उपयोगिता, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। एक उपभोक्ता अपने कल्याण को अधिकतम करने के लिए, अपनी उपयोगिता को अधिकतम करने के लिए कम से कम सीमांत उपयोगिता के बराबर पेमेंट करना चाहता है। हम इसे एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। मान लीजिए एक रोटी की उपयोगिता 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30 पीस, 10, 0, माइनस 10, 20, माइनस 20, माइनस 30 इत्यादि है। यहां पर सीमांत उपयोगिता तीन प्रकार की है। मान लीजिए उपभोक्ता रोटी की सभी इकाइयों के लिए 10 रुपए देने को तैयार है। इस प्रकार उपभोक्ता रोटी की प्रथम इकाई के लिए, क्योंकि उसकी सीमांत उपयोगिता 100 रुपए बराबर थी, अतः 100 रुपए वो देना चाहता है, लेकिन वास्तव में उसे भुगतान कितना करना पड़ रहा है, 10 रुपए करना पड़ रहा है। अतः यहां पर उपभोक्ता की बचत 90 रुपए के बराबर होगी। अर्थात प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक इकाई का मूल्य स्थिर होता है, जिसके कारण उपभोक्ता रोटी की सभी इकाइयों के लिए 10-10 रुपए क्रमशः दे रहा है। अतः सीमांत उपयोगिता नियम लागू होने के कारण प्रत्येक इकाई से हमें अलग अलग बचत प्राप्त होंगी। इसे हम एक रेखाचित्र और सारणी के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। सारणी में हम मार्शल द्वारा प्रतिपादित उपभोक्ता की बचत को स्पष्ट कर सकते हैं। रोटी की इकाइयां, सीमांत उपयोगिता, मूल्य और उपभोक्ता के बचत को यहां पर स्पष्ट किया गया है। हम देखते हैं कि 1 से लेकर के 12 तक रोटी की इकाइयों का प्रयोग किया जाता है। उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0 और -10 हो जाती है, क्योंकि शून्य सीमांत उपयोगिता के ऊपर 10वीं इकाई पर हमें सीमांत उपयोगिता 10 मूल रही है। अर्थात उपभोक्ता कम से कम 10 रुपए मूल्य देने को तैयार है। अर्थात प्रत्येक इकाई को के लिए वो 10 रुपए देने को तैयार। पहली इकाई के लिए वो 100 रुपए देना चाहता है, क्योंकि उसको इस इकाई से 100 रुपए के बराबर उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन उसे देना कितना पड़ रहा, 10 रुपए। अतः उपभोक्ता की बचत 90 होगी। अर्थात प्रथम इकाई से उपभोक्ता को 90 उपभोक्ता की बचत प्राप्त हो रही है। दूसरी इकाई पर वो देना चाहता है 90 रुपए, लेकिन देना पड़ रहा है 10 रुपए, अतः उपभोक्ता की बचत 80 होगी। इसी प्रकार 10वीं इकाई तक देखते हैं कि देना कितना चाह रहा, 10 रुपए, देना कितना पड़ रहा है, 10 रुपए, अतः उपभोक्ता की बचत 0 होगी। उपभोक्ता का वास्तव में यही संतुलन बिंदु भी होगा, जहां पर उपभोक्ता की बचत 0 हो जाए या सीमांत उपयोगिता और मूल्य का मान बराबर हो जाए, उस बिंदु को ही हम संतुलन बिंदु कह सकते हैं। इस प्रकार उपभोक्ता
इतनी इकाइयों इतना मूल्य देना चाहता है, वास्तव में उसको इतना मूल्य देना पड़ रहा है, अर्थात ये उपभोक्ता की संपूर्ण बचत होगी। इसको हम रेखाचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। रेखाचित्र में आधार अक्ष पर हमने रोटी की इकाइयों को लिया है जो 1 से लेकर 12 तक की इकाइयों को स्पष्ट कर रहा है। लंब अक्ष पर हमने उपयोगिता को लिया है, ऊपर लंब अक्ष पर धनात्मक सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है और नीचे लंब अक्ष पर ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है। हम देखते हैं कि प्रथम इकाई से हमें 100 की उपयोगिता प्राप्त होती है, लेकिन पेमेंट ये सेडेड भाग के बराबर ही करना पड़ता है। अतः जो ये विदाउट सेडेड पार्ट है, इसका तात्पर्य यह है कि ये उपभोक्ता की बचत है। इसमें हम देख सकते हैं कि प्रथम इकाई से उपभोक्ता को सबसे ज्यादा बचत प्राप्त होती है, द्वितीय इकाई से उससे कम, तृतीय इकाई से उससे कम, और हम ये देखते हैं कि 10वीं इकाई पर उपभोक्ता की बचत 0 हो जा रही है और इसके बाद उपभोक्ता की बचत ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोक्ता की बचत लगातार कम होती जाती है और प्रत्येक इकाई के लिए अलग अलग होती है। हम रेखाचित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि यदि ये सीमांत उपयोगिता रेखा है, मार्जिनल यूटिलिटी लाइन है, जो लगातार नीचे की ओर गिरती जा रही है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता है, शून्यात्मक सीमांत उपयोगिता है और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता है। यहां पर हमने यूटिलिटी को लिया है, यहां पर हमने यूनिट्स ऑफ ब्रेड को लिया है, यहां पर ये एक्स एक्सिस है और यहां पर ये वाई एक्सिस है। मान लीजिए उपभोक्ता को ओपी के बराबर मूल्य का भुगतान करना पड़ता है, ओपी के बराबर जो यहां पर 10 रुपए दिखाया गया है। हमने बताया कि उपभोक्ता संतुलन में वहां पर होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और मूल्य दोनों बराबर होंगे, अर्थात संतुलन की ये एक शर्त होगी। ई मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट नाम रख रहे हैं। ई मीन्स इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और मूल्य दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं, उस बिंदु को हम संतुलन बिंदु कहेंगे, अर्थात उपभोक्ता ओएक्स वस्तुओं का प्रयोग करेगा। इस प्रकार उपभोक्ता, इसको मान लेते हैं ए बिंदु, उपभोक्ता ओएक्स वस्तुओं के प्रयोग से ओ एक्स ई ए उपयोगिता ग्रहण करता है, चतुर्भुज ओ एक्स ई ए इक्वल टू टोटल यूटिलिटी। इसके लिए भुगतान से कितना करना पड़ता है, ओ एक्स ई पी चतुर्भुज ओ एक्स ई पी इक्वल टू इसको पेमेंट करना पड़ता है। इस प्रकार त्रिभुज, ये हमारे पास त्रिभुज बना, इस त्रिभुज को हम कंज्यूमर सरप्लस कह सकते हैं। त्रिभुज ए पी ई इक्वल टू कंज्यूमर सरप्लस होगा। मान लीजिए वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो उपभोक्ता की बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जब वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो मूल्य रेखा ऊपर की ओर खिसक जाएगी और हमें नई मूल्य रेखा OP1 प्राप्त हो जाती है, जिससे नया संतुलन बिंदु अब हमें E1 प्राप्त हो जाता है। यहां पर MU इक्वल टू प्राइस 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम वस्तु का प्रयोग पहले से कम करके OX1 कर देते हैं। इस प्रकार अब वर्तमान में हमने OX1 E1 A उपयोगिता प्राप्त की और इसके लिए भुगतान कितना किया, OX1 E1 P1। अतः उपभोक्ता की बचत घटकर त्रिभुज AP1 E1 रह जाती है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि यदि वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो उपभोक्ता की बचत पहले से
कम हो जाती है। और यदि वस्तु का मूल्य मान लीजिए पहले से कम हो जाए, दैट इज पी टू, तो नया संतुलन बिंदु ई टू हो जाएगा। यहां पर हम वस्तु का प्रयोग पहले से बढ़ा देंगे। वस्तु का प्रयोग पहले से बढ़ा देने से हम ये देखते हैं, वस्तु का प्रयोग पहले से बढ़ा देने से हम देखते हैं कि कुल उपयोगिता ओ एक्स टू ई टू ए प्राप्त होती है। पेमेंट हमें कितना करना पड़ता, ओ एक्स टू ई टू पी टू के बराबर प्राप्त करना पड़ता है। अतः त्रिभुज ए पी टू ई टू उपभोक्ता की बचत होगी। इस प्रकार हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जहां पर सीमांत उपयोगिता और मूल्य दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं वो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु होता है। किसी वस्तु का यदि मूल्य बढ़ जाता है तो उपभोक्ता की बचत कम हो जाती है, और यदि किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाएगा तो उपभोक्ता की बचत बढ़ जाती है। इसे हम उपभोक्ता की बचत का मार्शल दृष्टिकोण कहेंगे।